पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है और जिसे देखते हुए आपदा टीमों को तैयार कर दिया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। आपको कोलकाता के दीघा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है और आज रात से ही वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा और कल यानी कि 26 तारीख को 26 मई के आफ्टरनून यानी कि 12 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि लैंडफॉल होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और ओडिशा के पारादीप के बीच बालासोर के पास हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं पूर्वी मिदनापुर के दीघा के सी बीच की। पूरी रात भर बारिश हुई है, कल पूरा दिन बारिश हुआ है और अगर समुन्दर की तस्वीर हम आपको दिखाएं आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। मानिए कि समुन्दर जो है उफान पर हो और साथ ही आपको बता दें अगर आप देखें पूरी वेदर को तो काले बादल छाए हैं और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जब लैंडफॉल होगा कल दोपहर के समय 26 तारीख को बालासोर के आसपास कहा जा रहा है लैंडफॉल होने की आशंका है, तब तेज हवाएं चलेगी 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जिससे काफी क्षति पहुंच सकती है। अगर ईस्ट मिदनापुर और साथ ही जितने जिले प्रभावित हो सकते हैं वेस्ट मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, एनडीआरएफ की कुल जो है 35 टीमें जो है तैनात कर ली गई है और साथ ही जितनी एजेंसी है कोस्ट गार्ड हो या फिर नेवी हो उनको भी स्टैंड बाई पर रखा गया है और हाईएस्ट अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार की ओर से 1000 मोबाइल रेस्टोरेशन टीम्स और 450 मोबाइल टावर रेस्टोरेशन टीम्स को रेडी रखा गया है ताकि जब साइक्लोन के बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए तब रेस्टोरेशन का काम तेजी से हो सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी कोविड अस्पताल हैं अलग अलग जिलों में जो प्रभावित हो सकते हैं इस साइक्लोन की वजह से वहां पर पावर बैकअप सिस्टम को रेडी किया गया है ताकि बिजली जाने पर भी जो है कोविड पेशेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं आए। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी जो है खासा ध्यान दिया गया है और ऑक्सीजन प्लांट्स पर भी ताकि किसी भी कीमत पर वहां पे पावर आउटेज नहीं हो और वैक्सीनेशन ड्राइव्स और जिस तरीके से ऑक्सीजन अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा रहा है वो सारे प्रोसेस प्रभावित ना हो। पूर्व मिदनापुर के दीघा से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।